के दुखी तरक है और आज मैं घर पर हमला कर गए। एसपी साहब से मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मेरी बेटी को बचाओ करो और हमने भी बचाने की कोशिश करो। एक पिता की फरियाद और पुलिस के साथ गहमा गहमी का माहौल। ये तस्वीरें भिवानी के हनुमान ढाणी की हैं, जहां एक परिवार पर करीब दो दर्जन मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए युवकों ने जानलेवा हमला बोल दिया। हमलावरों ने मकान पर जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया, जिसमें आनंद के परिवार के चार सदस्य घायल हो गए। बात यही नहीं रुकी, इसके बाद जब मामले की सूचना पुलिस को दी तो वो मौके पर मुआयना करने पहुंचे तो करीब एक दर्जन युवक फिर से हमला करने के लिए आनंद के घर पर पहुंच गए। इसके बाद हमलावर पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लग गए और मौके से फरार हो गए। 112 पे इवेंट आई कि हनुमान ढाणी में दो गुटों में झगड़ा हो गया। जब मौका पर आए तो वहाँ तोड़फोड़ हो रही थी और बस उस टाइम चले गए, लेकिन हम जब उनकी सुनवाई कर रहे थे इतने में दूसरे पार्टी 10-15 आदमी आए और आते ही धमकी देने हमारे सामने ही तोड़फोड़ कर हमें भी धक्का मुक्की करी और फिर वो बचाते रहते और मारपीट करके भाग गई। दरअसल ये पूरा मामला दहेज और घरेलू हिंसा को लेकर जुड़ा है। पीड़ित आनंद ने बताया कि उनकी बेटी की शादी शिवनगर कॉलोनी में करीब 22 साल पहले की थी। कुछ समय उनकी बेटी खुश रही, लेकिन बाद में दहेज के कारण ससुराल पक्ष में उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे वो मानसिक संतुलन भी खो बैठी। उन्होंने बताया कि ससुराल पक्ष ने बार बार उनकी बेटी को मारपीट कर हमारे घर फेंक जाते थे। जब उनको बोलते तो हमें भी बार बार धमकी देते रहते थे। ये अपने घर पर आए थे लड़की ससुर अपने, और आने बाद में आदमी से मतलब 23 साल की लड़की हो बेई को, और वो उसको मेंटल करके अपने और मेरे घर पर मारपीट को अपने छोड़ दिया। दवाई आप जराओगे और मैं मेरी लड़की दुखी कर रखे और आज मैं घर पर हमला कर गए, इसकी और लड़की की माँ को पीट गए, इनकी भाभी को मार गए और हमने पुलिस बुलाई। पुलिस बुलाने बाद में पुलिस का आगे भी उन्हें हमला करे है, मेरे लड़के को पीट गया, मुंह में खून निकाल दिया और मेरे लड़का ने पुलिस अपने आगे पीट गया, पुलिस वालों को धक्का मार गया और खूब मतलब झगड़ा कर गया हमारे घर पर और पत्थर भट्ठे मार कर गए। तो कितने लोग थे वो? 10-12 आदमी थे और दो महिलाएं थी। मोटरसाइकिल पर आए अपने और वो आप हमारे जान की धमकी दे गए हैं, हम आपको सबको ख़त्म कर दें। एसपी साहब से मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मेरी बेटी को बचाओ करो और हमने भी बचाने की कोशिश करो। वह हमने जान से मारने की धमकी दे गए, मारने वाले उसके अपने दोनों शख्स थी और 10-12 आदमी थे। आदमी हमने बेरंग नाम नूम का वो अपने घर पर पत्थर पत्थर मार के और उसकी मम्मी को मार के थप्पड़ मुके और उसकी भाभी का गला बीच। बहरहाल इस हमले के दौरान चार लोग घायल हो गए हैं, जिनमें दो महिलाएं हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इन हमलावरों को कब तक पकड़कर सलाखों के पीछे डालती है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।